वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले एक ड्रामा सीरियल है जो ए प्लस पे आता है, कटी पतंग, और इसके बारे में बात कर रहे थे। और इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा है कि मैं इसके बारे में बात छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं ज़रूर बात करके रहूँगी। आप लोगों ने इस ड्रामे को देखते हैं, आपने डेफिनेटली रामचंद पाकिस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें एक लड़का है था और अभी वो कटी पतंग में है, फजल। और वो आप लोग इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उसका कि उसमें आप लोग ज़रूर डेफिनेटली देख रहे हैं कि अपने से तीन गुना बड़े लोगों को वो मतलब स्टूपिड बना रहा है, घुमा रहा है घुमा रहा है। आजकल जो सीक्वेंस चल रहा है वो फिल्म का सीक्वेंस चल रहा है, और वो हर एक को ये बता रहे हैं मैं तुम्हें रोल दिला दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हें रोल दिला दूंगा। हसीना जी इसमें डांस कर रही हैं, तो कभी शबीर जान साहब को कह रहा है कि जी आप जो है आपको मैं थोड़ा सा इसमें करवा दूंगा तो आप मुझे पैसे दे दें, और जैसे सबके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर मस्ती मार रहा है। और इतना इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है कि आप डेफिनेटली उनकी एक्टिंग जो फजल की है वो बहुत अच्छी है और सबके सामने बहुत आला लग रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसमें गली मोहल्लों की स्टोरी है, उनके इमोशंस की स्टोरी है, उनके ख्वाबों की स्टोरी है, वो ख्वाब जो हम सब लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ इसमें इतने खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज किया गया है कि वाकई लगता है कि हम उसके अंदर चले गए। मारिया का कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, जो कि बहुत ही कड़कदार किस्म का कैरेक्टर है, जिससे कि तो हर कोई डरता है ना, फजल समेत सब पूरा मोहल्ला डरता है। और हसीना जी का कैरेक्टर जो कि शगुफ्ता एजाज साहिबा प्ले कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, उसमें खूबसूरती तो उनकी है ही माशाल्लाह से, लेकिन उसका हर कोई दीवाना है। जितनी बातें करूँगी बहुत ज़्यादा बातें हैं इस ड्रामा के बारे में, आप लोग जितनी बातें सुनोगे इसके बाद कहोगे डेफिनेटली देखना है, तो देखना ज़रूर है आप लोगों ने इस ड्रामा को। और ये फ्राइडे और सैटरडे को चलता है, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा 8 बजे, आप लोगों ने इसे 100% देखना है। और बाकी बातें मैं सस्पेंस में रखूँगी क्योंकि सारी बातें बता दूँ तो फिर आप लोग क्या देखेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं तहसीन बात कर रही हूँ कराची से। फरजीन? तहसीन। तहसीन जी, मुझे ये बताओ कि कौन सा प्रोग्राम ए प्लस का सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे एक तो सुबह की फिजा बहुत पसंद है, आजकल वो जो शो चल रहा है वो भी देख रहे हैं, इसके अलावा एक ड्रामा आता है धमक। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मुझे। ए प्लस का एक ड्रामा आता है धमक, तौसीक हैदर का। धमक तौसीक हैदर, उसके राइटर या प्रोड्यूसर वो, और एक लव लाइफ लाहौर। लव लाइफ लाहौर और धमक दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। धमक की वाकई उसमें ट्रू स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वो खत्म हो चुका है। स्टोरी है वो एक सच्ची, मतलब एक ट्रू स्टोरी लगती है, मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है, और वाकई मतलब जो इन्होंने दिखाया है वो ऐसा होता है, मतलब बात की जिंदगी दिखाई। अच्छा, बिल्कुल ड्रामा, वो ड्रामा सीरीज था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड था। और लव लाइफ लाहौर वाकई सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके फीडबैक पे ही स्टोरी आगे जा रही होती है और बहुत ही अच्छी जा रही होती है। आपका अच्छा, प्रोग्राम भी शौक से देखती हूँ, पहले सूफिया अहमद को देखती थी, अब इंशाल्लाह आपको देखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे क्वेश्चन का आंसर तो बता दो। हाँ जी, ससुराल गेंदा फूल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन हमें कॉल करने का, इतनी सारी बातें करने का, आवाज़ हल्की आ रही थी इसलिए कुछ बातें मैं समझने की कोशिश कर रही थी और समझ भी आ गई मुझे, तो थैंक यू सो मच हमें कॉल करने का। प्रोग्राम का भी सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ भी हम लोग बातें करते जाएंगे, जो कि हम नहीं उन्हें एहसास होने दे रहे कि हम जो है ना हमारी वजह से, क्योंकि जब कैमरा रहता तो ऐसे हो जाते हैं, वैसे होते तो ऐसे हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनके ऊपर भी आप? सैयद नूर साहब की फिल्म के लिए मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, रात ही हमने डिसाइड किया नूर साहब के साथ बैठ के, उन्होंने कहा कि आप मेरी फिल्म के लिए म्यूजिक करोगे, और कराची से मेरे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फहीम बर्नी साहब के साथ। अच्छा, एज एन प्लेबैक सिंगर उनके ड्रामा के लिए। अच्छा, तो अब आप कहाँ देखते हो अपने आप को, क्या प्लेबैक सिंगिंग में ज्यादा फिट इन होते हो या जैसे कि बात ये है हिना के सिंगर जो होता है उसको तमाम जॉनर्स में गाना चाहिए, चाहे क्लासिकल हो, पॉप हो, गीत हो, गज़ल हो, तो ये होना चाहिए। तो मेरा वही है, मैं मेरा जो एल्बम बरसात है उसमें तमाम फ्लेवर्स हैं, भंगड़ा है, गीत है, गज़ल है, और नाव माँ का प्रोजेक्ट हमने जो किया है माँ के हवाले से। जरूर, माँ के हवाले से मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हमारा पैकेज है जो हमने बनाया है, हमारा एक बहुत ही फेमस पॉपुलर और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रियलिटी से रियलिटी ही है ये, हाँ कबूल है,
जिसमें हम लोग उन लोगों की बेटियों की शादी करते हैं जो कि वाकई जिनको उनको उनका मदद तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि हम लोग जितना उनके लिए करना चाहते होते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड हमारा माओ से रिलेटेड एक पैकेज है जिसको चल के पहले देखते हैं और इसके बाद में वापस आते हैं। दिली दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए, सबके लिए दिली दुआएं हैं। बस मैं दुआओं से आपको रुखसत कर सकती हूँ और कुछ नहीं है। बड़ी बेटी है ना जो, वो देखती थी आपका प्रोग्राम। अच्छा, लेकिन आपको उम्मीद थी इस तरह से हम आ जाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी जी। तो मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी बेटी की इतनी अच्छी शादी हो जाएगी। दिल अंदर से कहता था कि नहीं आएंगे, ये आता था कि नहीं है तो ऐसे ही शायद ना आए। हाँ ये भी ऐसा काफी होता रहा है, सोचते रहे हैं कि पता नहीं आना है या नहीं आना। शुक्र है दुआ की, अल्लाह के आगे तो पूरी हो गई। तो सब यही कहते थे कि अब तक नहीं, ये काम नहीं होगा, काम नहीं। ये दुआ करते थे हर वक्त कि या अल्लाह ये हमने कदम उठाया है तो वो हमारे तक आए, हमें खुशी होगी और हमारी दुआ पूरी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम के लिए हम दुआ गो हैं। 3 सालों की मंगनी हुई थी नीच गुंजाइश, बस अल्लाह ने किया तो आधा प्रोग्राम में डिठा। अच्छा, तो मैं नंबर मिल गया, मैं फोन किया तो अल्लाह मेरा वसीला तुसी बन गए। अल्लाह पाक उन्हें भी करम नवाजी करे, टीवी वाले ते भी जिन्होंने प्रोग्राम बनाया। अल्लाह पाक देखेंगी तो आप खुद खुश होंगी। अल्लाह पाक उन्हें देखो जी, अल्लाह पाक सिला देता है, मैं कुछ नहीं दे सकती। हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ आपकी दुआएं जो हैं, अल्लाह हमें इस काबिल करे और मजीद करे कि हमेशा हम जो जब तक जिंदगियां हैं, जब तक A+ है, हम इस नए काम में आगे बढ़ते रहे। हर एक भी अल्लाह ताला मुश्किल आसान। कोई तो